हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके स्टूडेंट, टुडे वी गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 6.8। ओके, लेट्स स्टार्ट। हियर इज वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। ओके, रमेश हैड 13 टॉफीज। ओके, हिज फादर गेव हिम 10 मोर। हाउ मैनी टॉफीज डज ही हैव इन ऑल? ओके बेटा, इस क्वेश्चन में रमेश है, उसके पास कितनी टॉफीज हैं? 13 टॉफीज हैं। कितनी टॉफीज हैं? 13। अब उसके पापा ने उसको 10 मोर टॉफीज दे दी, 10 और टॉफीज दे दी। अब उसके पास कितनी टॉफी हैं दोनों को मिला के? ओके, तो हम इसको प्लस करेंगे। पहले हम वंस लिखेंगे, टेंस लिखेंगे। अब रमेश के पास कितनी टॉफीज हैं? 13। तो टेंस की प्लेस पे 1 आएगा, 3 आएगा वंस की प्लेस पे। फिर उसके पापा ने उसको कितनी टॉफीज दी? 10 दी। ओके, तो टेंस की प्लेस पे 1 आएगा, वंस की प्लेस पे 0 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस 3 का सेम एज इट 3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 0 है। 1 + 1 = 2। आंसर इज 23। रमेश हैज 23 टॉफीज नाउ। नेक्स्ट, दृष्टि हैड 30 चॉकलेट्स। ओके, दृष्टि के पास 30 चॉकलेट्स है। शी गेव 10 टू हर ब्रदर। ओके, उसने 10 चॉकलेट किसको दी? अपने भाई को। हाउ मैनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट विद हर? ओके बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। दृष्टि के पास कितनी चॉकलेट हैं? 30। अब उसमें से उसने अपनी 10 चॉकलेट किसको दे दी? अपने भाई को। तब हम इसको क्या करेंगे? अब उसके पास 30 चॉकलेट थी, उसमें से उसने 10 अपने किसको दे दी? भाई को। अब इसको क्या करेंगे हम? माइनस। ओके, यहाँ पे वंस है, टेंस है, वंस की प्लेस पे 0, टेंस की प्लेस पे 3, वंस की प्लेस पे 0, टेंस की प्लेस पे 1। अब हम इसको क्या करेंगे? माइनस 0 का सेम एज इट 0 आ जाएगा। 3 - 1 = 2। दृष्टि हैज 20 चॉकलेट्स नाउ। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज 6.8, सॉल्व द गिवन वर्ड प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज अमित हैड 20 स्टार्स। ओके, अमित हैड 20 स्टार, हिज ब्रदर गेव हिम 14 मोर स्टार्स। मोर स्टार्स, ओके, हाउ मैनी स्टार्स डिड ही हैव नाउ? ठीक है बेटा, अमित है, अमित के पास कितने स्टार हैं? 20 स्टार है। अब उसके भाई ने उसको 14 स्टार्स और दे दिए, मतलब और दे दिए, ठीक है, ज़्यादा और दे दिए। अब अमित के पास कितने स्टार हैं? ठीक है, अमित के पास 20 स्टार ऑलरेडी हैं और उसके भाई ने उसको 14 स्टार और दे दिए, तो अब अमित के पास कितने स्टार हैं? हियर इज 10, 1, 20 and 14। लेट्स स्टार्ट। ओके, यस, अमित हैड 20 स्टार्स। ओके, कितने स्टार हैं? 20। हिज ब्रदर गेव हिम 14 मोर स्टार। ओके, 20 स्टार ऑलरेडी अमित के पास है, उसके भाई ने उसको 14 स्टार और दे दिए। अब उसके पास कितने स्टार्स हैं? लेट्स सॉल्विंग। ओके, अमित के पास कितने स्टार हैं? 20। उसके भाई ने उसको कितने स्टार और दिए? 14। प्लस, ये प्लस का साइन कैसे आया? क्योंकि अमित को और स्टार मिले हैं, उससे उसने अपने स्टार किसी और को नहीं दिए,
उसके पास और आए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वन पेन है, ओके तो ये वन पेंसिल हमारे पास और आ गई, तो हमारे पास कितने हो गए, बढ़ गया ना, ये वन एंड टू हो गए, कम तो नहीं हुए ना, बढ़ गया हमारे पास, इसीलिए उसको, उसके पास ऑलरेडी 20 स्टार थे, उसके भाई ने उसको 14 स्टार और दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, हम सम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिस साइड से हम लिखते हैं, राइट साइड से, जिस हाथ से हम लिखते हैं, राइट साइड से। हेयर इज 0 एंड हेयर इज 4, ओके क्या करना है हमको, प्लस, 0 + 4 इक्वल टू 4, 2 + 1, 2 + 1 इक्वल टू 3, आंसर इज 34 stars, ओके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा आपका। अमित के पास 20 स्टार है और उसके भाई ने उसको 14 और दिए हैं, मोर मतलब ज़्यादा और दिए, अब उसके पास बढ़ गई है चीज़, तो हम क्या करेंगे, प्लस, ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके कुसुम बाउट 14 फ्लावर्स फ्रॉम अ फ्लोरिस्ट, कुसुम नाम की एक लड़की है, उसने 14 फ्लावर्स फूलों की दुकान से लिए, देन शी बाउट 13 मोर, हाउ मैनी फ्लावर डिड शी हैव इन ऑल, ओके कुसुम ने 14 फ्लावर लिए फूलों की दुकान से, फिर उसने और 14 फ्लावर लिए फूलों की दुकान से, अब हम इसको क्या करेंगे, ये आपको डू इट योर सेल्फ करना है, ओके आपको अपने आप से सॉल्व करना है, ओके स्टूडेंट नेक्स्ट सम इज सिड मेड 34 रिबन्स फॉर अ पार्टी, सिड ने 34 रिबन्स बनाए किसके लिए, पार्टी के लिए, ओके 13 आउट ऑफ देम गॉट टॉर्न अवे, हाउ मैनी रिबन्स आर लेफ्ट विद हिम, 13 आउट ऑफ देम गॉट टॉर्न अवे, ओके जो सेट है उसने 34 रिबन किसके लिए बनाए, पार्टी के लिए, उसमें जो 13 रिबन थे वो टॉर्न मतलब फटे हुए थे, उसने उसको अलग कर दिया, ठीक है। नाउ हाउ मैनी रिबन्स आर लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितने रिबन बचे हैं, ओके तो इसको हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, लेट्स सी, ओके सेड मेड कितने रिबन बनाए सेड ने, 34 रिबन्स, ओके सेड मेड 34 रिबन्स, उसने कितने रिबन बनाए, 34, जो 13 रिबन थे गॉट टॉर्न, टॉर्न होता है फटे हुए, कितने रिबन थे, 13, अब सिड के पास कितने रिबन बचे, नाउ सॉल्विंग, कैसे सॉल्व करेंगे, रिबन कितने बनाए सिड ने, 34, सो हेयर वी राइट 34, कितने रिबन फटे हुए थे, 13, अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे, माइनस, ओके माइनस क्यों किया हमने, चलिए देखते हैं, 34 रिबन है, उसने 34 रिबन बनाए, ओके पर उसमें जो 13 थे, 13 रिबन क्या थे, खराब थे, फटे हुए थे, उसने उनको अलग कर दिया, ओके उसने उसको अलग कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1, 2 है, ओके ये पेंसिल मैंने यहाँ से अलग कर दी, यहाँ पे कितना बचा, 1, माइनस करेंगे, उसको मिले नहीं है रिबन, अगर उसको 13 रिबन और अच्छे मिले होते तो हम इसको क्या करते, प्लस करते, क्योंकि 13 रिबन फट गए, उसने उसको अलग कर दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस, लेट्स स्टार्ट, 4 - 3 इज, 4 में से 3 माइनस करेंगे कितने आएगा, 1, ओके 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21, आंसर इज 21 रिबन्स,
ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? अगर आपके पास, जैसे यहाँ पे अमित है, 20 स्टार थे, उसके ब्रदर ने उसको कितने स्टार दिए? 14 और दिए ना, उसको लिए नहीं ना, मतलब उसके पास 20 स्टार है और उसको 14 स्टार और मिले, इट मीन्स हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ पे रिबन सेड ने 34 रिबन बनाए और उसमें से जो फटे हुए रिबन थे कितने थे? 13 थे, उसने उनको अलग कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस। ओके, चलिए। ओके स्टूडेंट, दिस सम डू योर सेल्फ, दिस इज योर होमवर्क। नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।